हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विषय हिंदी। अब हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे 13, सैनिक तुझे सलाम। सैनिक तुझे सलाम कविता। सत्य मित्रानंद गिरी द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में कवि ने सैनिकों के मनोभाव का वर्णन किया है। सैनिकों को अपनी चिंता से अधिक देशवासियों की चिंता रहती है। वे दिन रात पथरीली और कांटों से भरे रास्तों पर चलकर सीमा की सुरक्षा करते हैं। इस कविता में सैनिकों की दिनचर्या, मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना, कर्तव्य निष्ठा की भावना आदि का वर्णन हुआ है। तो आइए इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि किन भावनाओं के साथ देश की सेवा में लत रहता है। तो कविता स्टार्ट करने से पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि सत्य मित्रानंद गिरी का जन्म 19 सितंबर 1932 में आगरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे तन, मन और वचन से परोपकारी और आध्यात्मिक चेतना के धनी थे। उनके पिता का नाम शिव शंकर पांडे और माता का नाम त्रिवेणी देवी था। प्रारंभ से ही धर्म अध्यात्म में रुचि होने के कारण वे एक दिन अध्यात्म की खोज करते करते हरिद्वार पहुंचे। स्वामी सत्य मित्रानंद की आध्यात्मिक शिक्षा ऋषिकेश में हुई। स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी का भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम था। यानी कि वो बहुत भारत माता से बहुत प्रेम करते थे। धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का पालन करने वाले स्वामी जी भारत माता को सर्वोच्च ही मानते थे। अपनी इसी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने हरिद्वार में 108 फीट ऊंचा भारत माता का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अध्यात्म जगत के बड़े हस्ताक्षर स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी छुआछूत के भी प्रबल विरोधी रहे। स्वामी सत्य मित्रानंद की धर्म, संस्कृति और लोक कल्याण से जुड़ी सेवाओं को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं जो स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते हैं तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते हैं कि इन्होंने अपनी कविता सैनिक तुझे सलाम में देश की रक्षा में रत सैनिकों को श्रेष्ठ पुरुषों का दर्जा दिया है। इनकी कविताएं देश प्रेम की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। तो ये था इनका कवि परिचय। अब हम इनकी कविता स्टार्ट करते हैं, सैनिक तुझे सलाम। युद्ध भूमि मसी पात्र है, सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। युद्ध की जो भूमि है वह मसी पात्र है। जो मसी पात्र यानी जो शाही की दवात होती है उसे मसी पात्र कहते हैं। तो उसे मसी पात्र कहते हैं। सैनिक किसके समान है? कलम के समान है, यानी पेन के समान है। बलिदानों के पृष्ठ पर यानी कि पेज में। तो सैनिकों के बलिदान की महान गाथाएं पृष्ठ पर लिखी जाती है। गाथा लिखी महान, गाथाएं लिखी जाती है। तो सैनिकों के बलिदान की गाथाएं पृष्ठ पर लिखी जाती है। नेक्स्ट, सीमा पर प्रहरी बने, प्रहरी यानी पहरेदार, नहीं सुविधा की चाह, पट कुटीर में वास कर चले समर की राह। सीमा, देश की जो सीमा होती है उस पर प्रहरी बने यानी कि पहरेदार बने सैनिक बने हुए हैं। उन्हें किसी भी नहीं सुविधा की चाह है, उन्हें किसी भी सुविधा की चाह नहीं है, यानी कि कोई इच्छा नहीं है उन्हें। पट कुटीर में वास कर, पट कुटीर यानी कि जो कपड़ों की जो झोपड़ी होती है, कपड़े की बनी होती है जिसे हम तंबू कहते हैं, उसमें वो रहते हैं, उसमें वास करते हैं और युद्ध की राह में चल पड़ते हैं। चले समर की राह यानी कि युद्ध की राह में वो चल पड़ते हैं। उन्हें कोई सुख सुविधा की चाह नहीं है और वो तंबू में रहते हैं और वे युद्ध की राह में चल पड़ते हैं।
आगे देखते हैं, सुख निद्रा में लीन जग, सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल। सुख निद्रा में लीन जग, यानी कि जब सुख निद्रा यानी कि आराम से, जब जग सारा संसार आराम से सो रहा होता है तो सैनिक आंखें खोल रहे होते हैं, यानी कि सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, मातृभूमि की रक्षा कर रहे होते हैं। रात रात भर डोल, यानी कि रात रात भर डोल, यानी कि जब पूरा संसार रात को सो रहा होता है तो सैनिक मातृभूमि की रक्षा रात रात पर जाकर करते हैं। वो रात रात भर पहरेदारी करते हैं, युद्ध करते हैं और वो सोते नहीं हैं। नेक्स्ट, पथरीली सी भूमि पर कंटक पूरित शेष, भारत मान सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज। भूमि कैसी है? पत्थरों की है, पत्थरों से बनी है भूमि। कंटक पूरी सेज, यानी कि कांटों से भरी हुई सेज, यानी कि बिस्तर, कांटों से भरा हुआ बिस्तर। भारत माँ सेवा निरत, भारत माता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। प्रतिदिन बढ़ता तेज, और इनका तेज प्रतिदिन बढ़ता है। इस प्रकार हमारे देश के सैनिक है, यानी कि पत्थर की जो भूमि होती है, कांटों से भरे उनका बिस्तर होता है, और वो भारत माता की सेवा में निरंतर लगे हुए रहते हैं, इससे उनका तेज बढ़ता है। इस प्रकार के सैनिक हमारे देश में, इस प्रकार के सैनिक हैं। तंद्रा आई तनिक सी, तभी सुनी पदचाप, शस्त्र उठा धरती पड़ा, चला चले जो सांप। तंद्रा आई तनिक सी, तंद्रा यानी नींद, तनिक सी यानी कि थोड़ी सी, तभी सुनी पदचाप यानी कि तभी, पदचाप यानी कि पैरों की आवाज़ सुनी, शस्त्र उठा धरती पड़ा, और जैसे ही पैरों की आवाज़ सुनी वो शस्त्र उठाकर धरती पर चल पड़ा। और कैसे चलते हैं? जैसे सांप चल रहा होता है, यानी कि वो थोड़ी सी झपकी लेते हैं, थोड़ी सी सोते हैं, लेकिन उन्हें सोते सोते भी उनको आहट महसूस होती है पैरों की, और जैसे ही पैरों की आहट महसूस होती है वो तुरंत से खड़े होकर शस्त्र उठाकर इस प्रकार चल पड़ते हैं जैसे कि धरती पर सांप चल रहा होता है। सुख भोगी क्या जानते, सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता जो बादल घनघोर। इस कविता में सैनिक कहता है कि आज इस कविता में कहता है कि सुख भोगी क्या जानते, सुख भोगने वाले लोग क्या जानते, सैनिक साहस जोर, सुख भोगने वाले लोग क्या जानते होंगे कि सैनिक में कितना साहस है, कितना जोर है। अवसर मिलते टूटता, अवसर मिलते ही वो इस प्रकार टूट पड़ते हैं जो बादल घनघोर, जैसे बादल घनघोर यानी बादलों, बादल जैसे गरजते हैं, बादल जैसे बरसते हैं, इस प्रकार वो टूट पड़ते हैं अपने शत्रु पर। तो इस पद्यांश का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसार में जो सुखभोगी लोग हैं वो क्या जानते होंगे कि सैनिक में कितना साहस है, सैनिक में कितना जोर है, वो अवसर मिलते ही इस प्रकार टूट पड़ते हैं जैसे कि बादल गरजते हैं, बादल घनघोर यानी कि बादल गरजते हैं। जाने से पहले अभी पाती लिख दूँ आज, संभवतः मिट ना पड़े काल भारत के काज। सैनिक कहता है कि जाने से पहले आज मैं एक चिट्ठी लिख दूँ, पाती जाने से पहले मैं चिट्ठी लिख दूँ, पाती लिख दूँ आज, पाती यानी चिट्ठी लिख दूँ आज, संभवतः मिटना पड़े काल भारत के काज, यानी कि संभवतः मैं एक पत्र लिख दूँ जाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इस धरती माता के लिए मिटना पड़े या बलिदान होना पड़े, इस भारत माता के लिए मुझे बलिदान होना पड़े, इसलिए मैं एक जाने से पहले एक पत्र लिख देता हूँ। मिट जाऊँ चिंता नहीं, आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो तू जननी अभिराम। सैनिक कहता है कि मैं मिट भी जाऊँ तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, तेरा जो वैभव है, कीर्ति है, यश है, वो हमेशा अमर रहे। तुम माता हो, जननी हो, हमारे मातृभूमि विस्मरणीय हो,
यानी कि हमारे मातृभूमि के रूप में विस्मरणीय हो। आपके आशीर्वाद से हम निरंतर गति करते रहते हैं। आगे देखते हैं, रक्त सरित तन में बहे, आयुध लीन है हाथ, कट जाए पूरा बदन, झुके न मेरा माथ। रक्त सरित, रक्त यानी खून, सरित यानी नदियाँ, तन में बहे शरीर में बहे, आयुध लीने हाथ, आयुध यानी शस्त्र हाथ में लिए, कट जाए पूरा बदन, झुके न मेरा हाथ। इस कविता में कहते हैं रक्त कहते हैं खून को, सरित कहते हैं नदियाँ, तन में यानी कि शरीर में, यानी हमारे शरीर में खून रूपी नदियाँ बहे और हमारे सैनिक जो हैं उन्होंने हाथ में आयुध यानी कि अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। उन्हें चिंता नहीं है उनका शरीर कट जाए, और वो अपने सिर को कभी झुकना नहीं देना चाहते, या मातृभूमि के सिर को कभी भी झुकना नहीं देना चाहते। इनका सर हमेशा ऊंचा रहे। कर प्रणाम अर्थी छुई, ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुझे देश रत्न सुखमूल। भारत माता को प्रणाम किया, प्रणाम अर्थी भारत माता को प्रणाम किया, और सैनिक किस में बदल गया, अर्थी के रूप में बदल गया। सैनिक ने अपना बलिदान दे दिया, और बलिदान किस प्रकार दिया, भारत माता की चरणों की धूल को लेकर अपने मस्तक पर लगा लिया, अपने सिर पर लगा लिया, और उसे प्रणाम करके वो किस में बदल गया, अर्थी में बदल गया। हे सैनिक, तुझे पाकर इस देश के जो लोग हैं तुम्हें रत्न मानते हैं, क्योंकि उनके सुख का कोई मूल ही नहीं है। आपको, आपकी ही वजह से उनकी भारत माता सुरक्षित है, यानी कि आपकी ही वजह से भारत माता सुरक्षित है। ऐसे धन्य को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देखते हैं, विजय पताका हाथ ले, चला गया सुरधाम, उस शरीर नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। विजय रूपी पताका यानी कि झंडा हाथ में लेकर वह चला गया तीनों लोकों को, सुरधाम यानी तीनों लोकों को गमन कर गया। उस शरीर नरश्रेष्ठ को उसने अपना शरीर बलिदान कर दिया। ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे सैनिक को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता सैनिक तुझे सलाम, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम आप शब्दार्थ इसके पढ़ते हैं। शब्दबोध, मसी यानी शाही, गाथा यानी कि कहानी, प्रहरी यानी कि पहरा देने वाला सिपाही, पहरे देने वाले सिपाही, सुख निद्रा यानी सुख से भरी हुई नींद, समर यानी लड़ाई या युद्ध, पदचाप यानी पैरों की आहट, कंटकपुरी कांटों से भरी हुई, तंद्रा यानी नींद या हल्की सी झपकी, रक्त सरित यानी खून से सने हुए, आयुध युद्ध के साधन या हथियार, सुरधाम यानी कि स्वर्ग, नरश्रेष्ठ यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। तो ये थे बच्चों इनके शब्दार्थ। आगे हम व्याकरण बोध करते हैं। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। जैसे पताका के दो 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 पर्यायवाची लिखने हैं हमें, यानी पताका के दो पर्यायवाची क्या होंगे, झंडा और ध्वज। काज पाती के तत्सम रूप है, यानी काज और पाती के तत्सम रूप क्या होंगे, काज, काज का तो हो गया कार्य और पाती का हो गया पत्र। सुख, अमर के विलोम शब्द लिखिए। सुख, सुख का विलोम शब्द होगा दुख, और अमर का विलोम शब्द होगा मृत। लीन्हे और सरित के हिंदी शब्द लिखिए। लीन्हे यानी कि इसके हिंदी शब्द लिखना है। लीन्हे को हिंदी में क्या कहते हैं, लिया, और सरित को नदियाँ, ये इनके हिंदी शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एकल शब्द लिखिए, यानी इस एकल शब्द यानी एक शब्द इनका लिखना है पूरे वाक्य का, यानी जैसे आकाश को चूमने वाला, यानी आकाश को चूमने वाला क्या हुआ, गगनचुंबी, जो कभी न मरे यानी जो कभी नहीं मरता वो अमर,
जिसकी गिनती न हो सके, अगणनीय, सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। आगे देखते हैं नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब यहाँ पे नीचे शब्द लिखे हुए हैं, एक वचन लिखा हुआ है, तो हमें इसको बहुवचन रूप लिखना है। तो एक वचन यहाँ लिखा हुआ है लकीर, तो इसका बहुवचन होगा लकीरें। आवाज़ आवाज़ें, सड़क सड़कें, दुकान दुकानें, खबर खबरें, तो ये इनके एक वचन और बहुवचन है। दूसरा है टोकरी, टोकरी का बहुवचन होगा टोकरियाँ। सब्जी सब्जी का सब्जियाँ, कॉपी कॉपियाँ, कहानी कहानियाँ, झुग्गी और इसका होगा झुग्गियाँ। तो ये थे इसके बहुवचन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।